मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद शाह है। मैं अररिया जिला के कुर्साकाटा गांव का रहने वाला हूं और मैं धर्म से अगर पूछिए तो मैं न हिंदू हूं न मुसलमान हूं, मैं आनंद मार्गी हूं। मैं भागवत धर्म को मानता हूं। इसलिए आजन मेरे मन में एक शंका है, जहां गीता कहती है धर्मस्य स्थापनार्थाय सम भवामि जुगे जुगे, और मुसलमानों से सुनता हूँ तो मोहम्मद इज द लास्ट पैगंबर। मेरा शक है कि परमात्मा अल्लाह की सृष्टि इनफिनाइट वेव्स में चल रहे हैं, तो इनफिनाइट समस्याएं आगे आएंगी, तो हुआ मोहम्मद द लास्ट पैगंबर। अगर ये सही है तो गीता का यह कृष्ण का यह घोषणा संभवामि जुगे जुगे क्या गलत है? भाई साहब ने अच्छा सवाल पूछा है। उन्होंने हवाले था भगवद गीता का, जिसमें कृष्ण कहते हैं, उन्होंने कहा संस्कृत में तर्जुमा नहीं किया, श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भी इस धरती पे जुल्म होगा तो उस वक्त भगवान एक पैगंबर को भेजेंगे, और हर दौर में एक पैगंबर आएगा, सम भवानी योगी हो गए, हर युग में आएगा। तो भाई का सवाल है, क्या कृष्ण गलत है? आप मुसलमान क्यों कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? भाई साहब, सबसे पहले हम कहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है क्योंकि ये कहा गया कुरान मजीद में सूरे आज़ाब में, सूरा नंबर 33 आयत नंबर 40 में कहा गया, मा कान मोहम्मद अबा अहद मिर्जालकुम वलाकी रसूलुल्लाह व खातिमुन नबीयीन व कान अल्लाह बिकुल्ले शैइन अलीमा, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप लोगों में से किसी के वालिद नहीं हैं लेकिन खातिमुन नबीयीन हैं, आखिरी नबी है। क्योंकि कुरान मजीद में कहा गया है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, हम इस पे यकीन रखते हैं। जहाँ तक कि आपने कहा श्री कृष्ण, मैं श्री कृष्ण की बात को मानता हूँ कि जब भी इस धरती पे गलत काम होंगे उस वक्त खुदा एक पैगंबर को भेजते और हर दौर में एक पैगंबर भेजेंगे, बिल्कुल गलत नहीं है। आपको समझने में गलती हुई, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे भगवद्गीता, भगवत गीता को कहा गया है कि ये वेद का निचोड़ है, इट इज द नेक्टर ऑफ द वेद, वेद का निचोड़ है। और जब आगे आप पढ़ेंगे लिखा हुआ कल्कि पुराना में, कल्कि पुराना में लिखा है, कल्कि पुराना चैप्टर नंबर 2 श्लोक नंबर 5, 7, 11, 15 में लिखा है कि एक कल्कि अवतार आएंगे जो कलयुग में आएंगे और कलयुग आखिरी युग होगा, और ये कल्कि अवतार लोगों को सही रास्ता दिखाएंगे, और ये कल्कि अवतार के वालिद का नाम है विष्णु व्यास, मतलब भगवान का नौकर, अरबी में अब्दुल्ला जो नाम थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का, उनके वालदा का नाम होगा सुमति, सुमति मतलब अमन शांति, अरबी में होगा आमिना जो नाम था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालदा का नाम। वो पैदा होंगे अमन के शहर में जो है मक्का, वो पैदा होंगे ऐसे खानदान में जो उस शहर के चीफ होंगे। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश खानदान में पैदा हुए, उनके चार करीब दोस्त होंगे, हम जानते हो चार खुलफा राशिदीन हैं, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत सब पे हो। उनको सबसे पहली वही मिलेंगी एक गार में, एक केव में, हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहले वही मिली गारे हिला में, उनको राख्त के बाद सबसे पहले वही आएंगी, वो ही विल माइग्रेट नॉर्थवर्ड्स एंड कम बैक, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में हिजरत किया और फिर से वापस मक्का लौटे। ये सारी निशानियाँ जो लिखी है कल्कि अवतार के बारे में वो हूबहू उतरती है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। हर युग में एक अवतार आएगा, आखिरी युग होगा कलयुग, ये कलयुग है भाई साहब, ये कलयुग है, और कलयुग के आखिरी अवतार है कल्कि अवतार, जिसका नाम कुरान मजीद में लिखा गया है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये जो आपकी भगवत गीता में लिखा है मेरे हिसाब से सही लिखा हुआ है कि हर युग में एक अवतार आएगा, और आखिरी युग है लिखा हुआ है कल्कि पुराना में वो कलयुग है, और कलयुग क्या अवतार है, कल्कि अवतार। तो आप सबको जोड़ेंगे तो पता लगता है कि आपके वेद में भी कई निशानी है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कई बार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है, कम से कम 100 हवाले तो मैं देख सकता हूँ जिसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। अगर आप पढ़ेंगे भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोकास 5 से 8, उसमें कहा गया है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे और वो एक फॉरेनर रहेंगे और वो डेजर्ट से आएंगे, लिखा है भविष्य पुराना में।
पर्व तीन, खंड तीन, अध्याय तीन, श्लोका 10 से 27 में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। अगर आप पढ़ेंगे कुंटप सुक्तास अथर्वावेद किताब नंबर 20 चैप्टर नंबर 127 श्लोक नंबर 1 से 14 उसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। मोहम्मद सल्लम का जिक्र कई जगह वेद के अंदर है, कई जगह पुराना में है। तो अगर आप भगवद गीता को लेते हैं, पुराना को लेते हैं, कल्कि पुराना को लेते और एक मानते हैं, तो सारे ये श्लोका कह रहे हैं कि आखिरी पैगंबर आने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मानना चाहिए। भाई साहब जी, भगवद गीता मानते हैं आप? देखिए मैं मानता किसी को नहीं हूँ, मैं तर्क के बौद्धिक स्तर पर जो मेरा लॉजिक एक्सेप्ट करता है उसी को मैं मानता हूँ। लेकिन आपने भगवद गीता का हवाला दिए क्या? नहीं नहीं, मानने का मतलब वो आँख मंद का मानना, मैं आँख खोल कर मानता हूँ। तो आँख खोल के आप मानते क्या नहीं भगवद गीता को? बिल्कुल मानता हूँ। जो मानते तो भगवद गीता में लिखा है जो आने वाले आखिरी अवतार जो पुराण कल्कि पुराना में लिखा हुआ है, कल्कि अवतार उसमें मानते आप? देखिए पुराण की बात नहीं कर सकूंगा क्योंकि कुरान की बात नहीं, पुराना कल्कि पुराना पुराण में मैं कर रहा हूँ। पुराण 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 के बारे में पुराणकार का जो कहना है कि अष्टादश व्यासस्य वचनम द्वे पापाय पर पीड़नम पुण्याय पर हितनम, इसी तरह का है कि 18 पुराण का उद्देश्य है कि दूसरे को कष्ट देना पाप है और दूसरे का भलाई करना पुण्य है। मैंने कब बोला कि दूसरे को कष्ट दो और दूसरे के भलाई मत करो? मैं कह रहा हूँ इस आधार पर मैं पुराण कुरान में लिखे लगा दूसरे को कष्ट दो, कुरान में भी लिखे दूसरे को कष्ट मत दो, कुरान में भी लिखे दूसरे की मदद करो, तो इसके ऊपर बहस नहीं हो रही है। बहस हो रही है कल्कि पुराना पे, कल्कि अवतार पे। आप आखिरी पैगंबर में मानते हैं क्या नहीं, ये मैं पूछ रहा हूँ। मुझे कल्कि पुराण का अध्ययन नहीं है, कल्कि पुराण का अध्ययन नहीं है डॉक्टर साहब, मुझे कल्कि पुराण का अध्ययन नहीं है। तो आप अगर बुद्धि के ऊपर आप मानते हैं तो मेरी ये आपसे इल्तिजा रहेंगी कि कल्कि पुराना पढ़ो और ये जांच पड़ताल करो कि कल्कि अवतार कौन है और कल्कि अवतार की तहकीक करो, आप इंशाअल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मानेंगे। तो मेरी आपसे इल्तिजा है कि आप इस पे तहकीक करो कि आखिरी अवतार कौन है और इंशाअल्लाह आपको हिदायत देंगे अल्लाह ताला। डॉक्टर साहब एक रिक्वेस्ट है आपसे, मेरे एक भाई को दूसरा सवाल पूछने के लिए दिया, एक छोटा सा सवाल पूछ सकता हूँ? एक छोटा कीजिए। मुसलमान लोगों को जब कोई हिंदू मिलता है तो बोलते हैं उसको आदाबर, लेकिन किसी मुसलमान को बोलते हैं अस्सलाम वालेकुम। मुझे लगता है कि एक मुसलमान हिंदू और मुसलमान के बीच भेदभाव करता है, कृपया आप स्पष्ट कीजिए इसको। भाई साहब का सवाल है कि अगर कोई मुसलमान हिंदू से मिलता है तो आदाब अर्ज करता है, अगर कोई मुसलमान से मिलता है तो अस्सलाम को कहता है, तो हिंदू मुसलमान में भेदभाव क्यों? भाई साहब हिंदू मुसलमान में भेदभाव तो रहेगा, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, क्योंकि हिंदू हिंदू और मुस्लिम मुस्लिम है, लेकिन एक दूसरे का साथ देना चाहिए और एक दूसरे को समझना चाहिए। पहले भाई साहब इसने सवाल किया था, उन्होंने मुझे आदाब कहा तो मैंने उनसे कहा सलाम अलैकुम, कहा कि नहीं? जी 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 कहा ना, हिंदू ने मुझसे क्या कहा आदाब कहा कि नहीं? मैंने उनसे सलाम कहा कि नहीं? जी मैं गौर किया था। गौर किया माशाल्लाह, लेकिन तो गौर किया तो कहा क्यों नहीं? आपने ऐसा नहीं कहा, वो हिंदू भाई ने मुझे आदाब कहा। डॉक्टर साहब जी हाँ, यू आर नॉट ओनली वन मुसलमान, आई सी लाख्स ऑफ मुसलमान, बट दिस क्वालिटी फाइंड ओनली इन यू, ओनली इन मी माशाल्लाह, ओनली इन यू। भाई साहब कह रहे हैं कि वो खुद मुसलमान को जानते, सिर्फ मुझ में देखा कि मैंने सलाम कहा। जी इसकी वजह ये है क्योंकि उलमा में इख्तिलाफ है कि आप गैर मुसलमान को सलाम कर सकते हैं क्या नहीं। पहला ये जान ले अस्सलामु अलैकुम की मानी क्या है। अस्सलामु अलैकुम की मानी है कि आप पे सलामती हो, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, आप पे सलामत रहे, रहमत रहे और बरकत रहे ना। इसमें इख्तिलाफ है मुसलमानों में, मुसलमान उलमा में, कि आप गैर मुसलमान को सलाम कर सकते हैं क्या नहीं, गैर मुसलमान के सलाम का जवाब दे सकते, इसमें इख्तलाफ है। क्योंकि एक हदीस है जिसमें अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, क्योंकि एक हदीस है जिसके अंदर यहूद लोग मुसलमान को कहते अस्सलाम अलैकुम, अस्सलाम अलैकुम का मानी आप पे मौत हो, साम के मानी मौत, अस्सलाम अलैकुम आप पे मौत हो, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया आपको अलैकुम उन पे भी। तो ये हदीस है, सही हदीस है, यहूद लोग कहते थे मुसलमान को छेड़ने के लिए अस्सलाम अलैकुम आप पे मौत हो, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया आपको अलैकुम आप पे भी हो। तो इसकी वजह से इख्तिलाफ, और कई हदीसें हैं, मैं ज़्यादा बहस में नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन ये कहना चाहूँगा कि कुछ उलमा ये भी कहते हैं कि आप अस्सलाम अलैकुम कह सकते, क्योंकि कुरान मजीद की एक आयत है सूरह निसा में, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 86 इसमें कहा है, अगर कोई आप
को ग्रीट करता है, अगर कोई ग्रीट करता है तो आप और बेहतरीन तरीके से ग्रीट करो। अगर कोई आपको ग्रीट करता है और बेहतरीन तरीके से ग्रीट करो, या कम से कम उतना। तो अगर कोई अस्सलाम वालेकुम कहता है, मुझे कहना चाहिए वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अगर कोई कहता है अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, मुझे कहना चाहिए वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह बरकातहु, या कम से कम उतना, ये जरूरी है। तो इसीलिए अगर कोई मुसलमान मुझसे आदाब करे तो आदाब से बेहतर क्या है, अस्सलाम वालेकुम। और अल्लाह के रसूल के लिए कहा गया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह फरमाते हैं, जो मैंने तकरीर में बयान किया सूरह अंबिया में सूरह नंबर 21 आयत नंबर 107 में, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल आलमीन, कि हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं भेजा लेकिन रहमत बना के सारे इंसानों के लिए, सारे आलम के लिए। तो जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे इंसानों के लिए रहमत बन सकते, तो क्या मैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह नहीं कह सकता हूँ? तो इस बुनियाद पे उलमा का इख्तिलाफ है कि अस्सलाम कह सकते हैं। कहने मैं उन उलमा में मानता हूँ जो कहते हैं कि आप गैर मुसलमान को सलाम कह सकते और जवाब भी बेहतरीन दे सकते। इसीलिए जब भाई साहब ने कहा अदब, तो मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, कि मेरे हिसाब से अस्सलाम वालेकुम और बेहतर है, आदाब से बेहतर है अस्सलाम वालेकुम, कि आप पे सलामती हो, रहमत हो और बरकत हो। तो भाई साहब मेरे नज़दीक गैर मुसलमान के लिए सलामती चाहना अच्छी चीज़ है, और इसीलिए मैं आपके लिए सलामत चाहता हूँ भाई साहब। भाई साहब ये लॉट ऑफ थैंक्स टू यू सर, मैं सलामत चाहता हूँ, और लेकिन सिर्फ मुँह से नहीं, मैं चाहता हूँ अमल से आप सलामती पाओ। इसीलिए मैं कहता हूँ कि तहकीक करो कल के अवतार के बारे में, आखिरी पैगंबर के बारे में, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, तो आपको सलामती इस दुनिया में रहेंगे और आखिरत में भी इंशाल्लाह। जी दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने आज की वीडियो देखी तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी भी लगी होगी। जैसे कि डॉक्टर जाकिर नाइक का जवाब आप लोगों ने सुना है, इस बंदे को कहे कि आपकी आपका जो सवाल है वो ठीक है, लेकिन आपने एक जगह पे आप थोड़े से गलत भी हुए हैं। ऐसे नहीं है, कल की अवतार में है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, वो वेद में भी है और जितने भी हिंदू की किताब में भी है। जैसे कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैं 100 हवाले दे सकता हूँ हिंदू की किताबों से कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वालिद का नाम भी है, उसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा का नाम भी है उसमें मौजूद है, और ये जो अवतार है इसके अलावा और कोई पैगंबर नहीं आएगा, बस यहाँ पे एक पैगंबर ख़त्म हो गए हैं। इसके बाद इससे पहले जो थे वो कौमें थी, उसमें अल्लाह ताला ने हर एक कौम के लिए अपना अपना पैगंबर भेजा है, अपनी अपनी किताबें भेजी है, लेकिन यहाँ पे जो है वो अवतार हमारे पास ख़त्म हो गई। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई भी नबी नहीं आएगा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है। जबकि इसने दूसरा जो सवाल किया कि बहुत से हिंदू लोग जो होते हैं वो मुसलमानों को आदाब कहते हैं और मुसलमान जो है होते हैं वो अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, तो दोस्तों अगर सोचा जाए तो हिंदू मुसलमानों में बहुत फ़र्क है। अभी कोई कहेगा कि आदाब, तो मुसलमान खामखा कहेगा कि अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस तरह दोस्तों हमारे मज़हब में भी सलाम के कुछ आदाब है, को हम किस तरह के सलाम कर सकते हैं, जो कि हमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बताया है। हमारा कुरान मजीद हमें बताता है कि हमें किस तरह जो है वो नॉन मुस्लिम के साथ मिल सकते हैं, किस तरह नहीं मिल सकते हैं। बहुत से ऐसे हिंदू होते हैं जो कि बहुत से अपने तरीक़ों से सलाम करते हैं मुसलमानों के, बल्कि मुसलमानों को चाहिए कि उनके तरीक़ों से उनको जवाब ना दें, बल्कि अपने जो मज़हब में हमारा जो है, हमें जो मज़हब इजाज़त देता है किसी बात का, बल्कि हमें वो करना चाहिए कि हमारा जो इस्लाम है हमें किस बात का उनके साथ मिलना जुलना वो किस तरीके से होता है वो सब हमें करना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। तो दोस्तों अगर कुछ सीखा है तो अपनी कीमतें रहे हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया।